नाज़रीन हमारे साथ उसामा के नाना मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। आपको कैसे इतला मिली थी, आप कहाँ थे उस वक्त? ये केस तो रात का है, रात को 12:30-1 बजे केस हुआ है, फायरिंग का, बच्चे का, मेरे नवासे का। और लेकिन हुआ है कि सुबह तक जो है अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, फिर सुबह बाद जो है वो डिक्लेयर हुई है, और मतलब कि उसकी डॉक्टरों ने कहा कि ये मतलब डेथ हो गई इसकी। हमें सुबह पता चला 8:30-8 बजे। जब जिस टाइम उसे गोली लगी थी और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो कितने अरसे तक जो अगर वो सर्वाइव कर रहा था? 4.5 घंटे तक वो उसकी सांस थी थोड़ी बहुत, लेकिन जाहिर है टाइम लगता है। यानी अगर उसे ट्रीटमेंट मिल जाता, आप ये समझते हैं, तो उसे बचा लिया जाता? बिल्कुल, अगर फौरी तौर पर उसको फर्स्ट एड मिल जाती, ट्रीटमेंट हो जाता उसका, तो जिंदगी मौत अल्लाह देने वाला है, लेकिन इंसान की कोशिश भारत होती है। आप ये समझते हैं दारों की भी गफलत है? पूरी पूरी गफलत है, मैं क्या कह सकता हूँ। अस्पताल वाले जो है वो पहले डिमांड करते हैं जी आप इतने पैसे जमा कराइए, उसके बाद हम पेशेंट को देखेंगे। ऐसा ये जुल्म है या नाइंसाफ़ी है? सबसे पहले फर्स्ट, यहाँ आप बात कर रहे हैं इंसान के बच्चे की। मैं कहता हूँ अगर कुत्ता बीमार पड़ा हो, कुत्ता जख्मी हो गया हो, तो एसी वाले या अगर कोई यहूदी भी होगा ना, तो उसको उठा के लेके जाएगा, पहले उसका ट्रीटमेंट करेगा, बाद में देखेंगे जी पैसे कितने मिल रहे हैं इसमें। स्टील टाउन का एक ड्राइवर था, शारा फैसल पर एक जख्मी लड़का पड़ा हुआ था, बाइक उसकी गिर गई थी, लोग उसको रोकते देखते और निकल जाते, रोकते देखते निकल जाते। एक रशियन था कम्युनिस्ट, उसने उस लड़के को उठाया और हॉस्पिटल लेकर गया। हमारे यहाँ का कानूनी सिस्टम ऐसा है कि जिसने डेड बॉडी को हाथ लगा दिया वो खुद हत्या हो गया, वो खुद फंस जाएगा, इसलिए लोग जख्मी को हाथ नहीं लगाते, नहीं करते, पिछड़ जाते। इंसाफ सबसे पहले इंसाफ है। जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम क़यामत तक चलेगा, चलता रहेगा, जंग रहेगी, लेकिन जुल्म नहीं चलेगा। जुल्म जब पड़ता है तो फिर वो एकदम मिट जाता है, सफ़ा हस्ती से मिट जाता है। हमारे और आपके सामने मिसाल